भैया आपका नाम? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह जी, अभी आप कैमरा पे हो, तो हमारे व्यूअर्स को बताओ कि अगर यहाँ पे बागेश्वर में आते हैं तो फेमस क्या क्या डेस्टिनेशन, मतलब मंदिर वगैरह क्या क्या फेमस है? सर, यहाँ पर बागेश्वर में वैसे तो फेमस सबसे ज़्यादा बाबा बागनाथ जी का मंदिर है जी, सरयू और गोमती के किनारे पे स्थित है। अच्छा। और इससे थोड़ा सा ऊपर 2 किलोमीटर आगे आप जाएंगे तो लोकेशन थोड़ा उसकी ऊंचाई पे है, तो वो भी काफ़ी फेमस है, माँ चंडिका का मंदिर है। अच्छा। और वहाँ से ठीक सामने आप देखेंगे इधर वाली पहाड़ी राइट साइड पे, तो वहाँ पे नीलेश्वर का मंदिर है। और बागेश्वर से बैजनाथ एक मंदिर पड़ता है 8-10 किलोमीटर आगे गरुड़ कौसानी वाली लाइन में, तो वो भी काफ़ी फेमस है, वहाँ पे भी दूर दूर से काफ़ी श्रद्धालु लोग पधारते हैं। थैंक यू भूपेंद्र जी, हमारी ऑडियंस को बताने के लिए। तो एक तरीके से ना ये मतलब मंदिरों के लिए फेमस है, बागेश्वर एक पावन धाम है। अगर आप आते हैं तो यहाँ पे अच्छे अच्छे टेंपल हैं, विजिट करिए। हमारे पास इतना समय नहीं है क्योंकि कल के बाद ना हमारी आइटनरी में थोड़ा सा चेंज हो गया, तो अभी देखते हैं। अभी हमें कुछ नहीं पता कहाँ जाना है, बस सफ़र पे हैं, जहाँ मंजिल ले जाएगी क्यों नहीं जी, बिल्कुल वहीं जाएंगे। तो अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, अनप्लान्ड चल रहे हैं, देखते हैं अभी क्या करना है। सबसे पहले यहाँ से चेकआउट करते हैं। चलिए चलते हैं। और ये है सरयू रिवर, सरयू रिवर के किनारे पे बसा हुआ पूरा बागेश्वर शहर। और ये रिवर आती है 3 देशों में, मतलब 3 कंट्री को क्रॉस करती है, तिब्बत, नेपाल और इंडिया। तो नेपाल में ये होती है करियाला और गिरबा के नाम से इसको जानते हैं, इंडिया में आके ये बन जाती है सरयू रिवर और इसको घग्गर रिवर के नाम से भी जानते हैं। आगे जाती है बिहार और अयोध्या। तो मैं बीच में रुक के ही वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि शेड्यूल बड़ा हेक्टिक सा हो गया है, डे बाय डे हमारे डेस्टिनेशन चेंज होते जा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी किलोमीटर हमें कवर करने हैं आप लोगों के लिए। सो गाइस, अगर फर्स्ट टाइम ये चेहरा फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो नीचे हैंडल आ रहा है, ज़रूर फॉलो करें ताकि हम आपको आने वाली स्टोरीज़ के थ्रू अपडेट करते रहें। तो अभी मैं खड़ा हूँ NH 309 पे और ये रोड जाता है बागेश्वर से कसार देवी। तो आज का सफ़र है कसार देवी तक, वैसे अनप्लान्ड है, कुछ फिक्स नहीं है, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का सफ़र। तो आगे एक ना ताकुला नाम से एक जगह आएगी जो बोर्ड पे अभी लिखा, शराब पीकर वाहन ना चलाएं। बिल्कुल सही बात है भाई साहब, कभी भी ना ड्राइव नहीं करनी चाहिए अल्कोहल लेके, क्योंकि आपका माइंड सेंस में नहीं रहता और वो एक मशीन है, आप एक मशीन को ड्राइव कर रहे हैं, तो मशीन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं भाई साहब। कभी भी ड्रिंक करके ड्राइव ना करें। ताकुला से हमें राइट मुड़ना है, ऐसा गूगल माता बता रही है। अभी ना थोड़े सूखे वैसे लग रहे हैं ये पेड़, मानसून के आसपास आओगे ना एकदम लश ग्रीन दिखेगा आपको, बिल्कुल ग्रीन। मतलब एक अलग ही रंग भर जाता है, ऐसा लगता है भगवान ने पेंटिंग कर दी है ग्रीन कलर की। और अगर विंटर्स में आओगे तो आपको मिलेगा एकदम वाइट, जैसे भगवान ने वाइट पेंट कर दिया है। तो यही तो कुदरत है यार, यही नेचर है, इंसान बहुत छोटा पड़ जाता है नेचर के सामने, और इसी नेचर को देखने हम लोग निकले थे अपने मोटरसाइकिल सेटअप पे, और निकलते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे नेचर, कुदरत, ये पहाड़, जंगल, नदियाँ, क्योंकि सिटीज़ की लाइफ में ना हम इनसे बहुत दूर होते हैं ऑलमोस्ट, हम इनको मूवीज़ में, पिक्चर में और फोटो में देख के अपना दिल बहला लेते हैं और खुश हो जाते हैं, बट एक बार अपनी आँखों से भी देखो यार, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा। और अगर ऐसे मेरी तरह अकेले सोलो ट्रैवल कर रहे हैं ना बाइक पे या कार में, तो आपको क्या अपने आप से बात करने का, खुद से अपने आप को समझने का मौका मिलेगा, जो कि आप नहीं समझ पाते हैं। आप अपने घर में रहते हैं, फैमिली में बिजी रहते हैं, ऑफिस में बिजी रहते हैं, तो अपने आप को अपना समझ ही नहीं पाते हैं। दिन का टाइम आपका ऑफिस के लिए, रात का टाइम फैमिली के लिए, तो आपका क्या टाइम बचा?
आप अकेले रह के भी बहुत बिजी रहते हैं और यहाँ पे बहुत बिजी रहो हो के भी मैं बहुत अकेला हूँ, मतलब अपने आप को समझ पा रहा हूँ। तो पराठे भाई साहब ने बहुत अच्छे खिलाए हमें, बहुत अच्छा था नाश्ता और प्राइस भी बहुत ही अच्छा था, 120 रुपए में हम दोनों ने खा लिया था। पहाड़ों में यही है यार, 100-150 रुपए में आप मतलब कर लोगे ब्रेकफास्ट दो लोग। तो हमने खाया एक एक आलू प्याज पराठा और चाय, छोले की सब्जी, एकदम फ्रेश और घर जैसी फील आई। यहाँ से है 45 किलोमीटर कसार देवी, और अब थोड़ी सी ना गर्मी लग रही है, जैकेट में हल्के हल्के पसीने आ रहे हैं, बट थोड़ा स्पीड में चलेंगे तो हवा लग रही है, अच्छा लग रहा है। जब पसीने होते हैं ना बॉडी में और हवा लगती है तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, ठंडा ठंडा एकदम। ऐसे जिग जैक रोड चल रहा है, बिल्कुल शार्प टर्न है देखिए, और स्पीड में आ रहे व्हीकल इस रोड पे, क्योंकि ये है मेन हाईवे NH 309। ट्रक भी काफ़ी हैं और काफ़ी व्हीकल स्पीड से आ रहे हैं, खासकर जो उत्तराखंड जो पायलट है, टैक्सी वाले जो पायलट भी हैं उन्हें तो एकदम भाई साहब वो तो ऐसे उड़ाते हैं गाड़ियों को। अब भाई नज़ारों में थोड़ा सा बदलाव हो गया है, ये थोड़ा से और ग्रीन हो गए हैं पहले के मुकाबले, और रोड भी एक नंबर के प्यारे हो गए हैं भाई साहब, मस्त मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतनी खुशी मिल रही है ना कि कोई 1 करोड़ रुपए दे दे तब भी इतनी खुशी नहीं मिलेगी, दिल से बता रहा हूँ आपको। ये देखो हमारे नेगी जी, अरे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है मक्खन रोड्स के ऊपर चलाने में बाइक, लेकिन हम अपना कंट्रोल बनाए हुए हैं, आउट ऑफ कंट्रोल बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, और राइड बहुत बढ़िया चल रही है आज की। तो ये है बिनसर वन्य जीव विहार अल्मोड़ा, यहाँ पे आई थिंक टिकट लगती है और आप अंदर तक फॉरेस्ट तक जा सकते हैं। अंदर आपको बर्ड्स मिलेंगे, और भाई फ़ोटो तो लेपर्ड की भी लगी हुई है, शायद लेपर्ड भी मिल जाए। टू व्हीलर पता नहीं अलाउड है या नहीं है, हाँ हाँ कोई नहीं। तो बाइक का कितना, 250 रुपये हैं? अच्छा उसका एंट्री नहीं होगा, कितना रुपये पड़ेगा? अच्छा अच्छा, तो यहाँ से कसार देवी के लिए लेना है लेफ्ट, और 6 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आई थी बिनसर, उसके बाद ये कफड़ खान करके कोई जगह है, और यहाँ से रास्ता जाता है बिनसर के लिए। ये यहाँ से आई थिंक रास्ता जाता है कसार देवी के लिए। भैया कसार देवी इधर, बाइक में ना पेट्रोल के 3 ही डॉट बच गए हैं। तो कसार देवी मंदिर है यहाँ से 5 किलोमीटर, नंदा देवी मंदिर है सीधा। चलिए चलते हैं 5 किलोमीटर। सो अभी एक छोटा सा होम स्टे हमें मिल गया, और बहुत देर बाद मिला यार, यहाँ पे ना बहुत ज्यादा होम स्टे बने हुए हैं, तो अभी हम लकी हैं कि इतना रश नहीं है, क्योंकि 4 छुट्टियां थी वो खत्म हो चुकी हैं और अब वीकडेज जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो छुट्टियों में यहाँ पे जैसे एक सीज़न होता है तो ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, ऐसा यहाँ के ओनर ने बताया, और वाकई में हमें यहाँ ना काफ़ी
टूरिस्ट दिखे, लेकिन होम स्टे की तो भरमार है यहाँ पे, क्यों नहीं जी। तो जहाँ हम रुके हैं ना, वहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे है मंदिर, तो चलते हैं कसार देवी मंदिर, और वहाँ से बेस्ट सनसेट का व्यू आता है, तो आप लोगों को दिखाएंगे बेस्ट सनसेट। सही टाइम पे जा रहे हैं, सनसेट 6:30 बजे 6:40 पे होगा, और अभी 5:30 हो रहे हैं, 5:30 का टाइम हो रहा है। नेगी जी मज़ा आ रहा है बहुत ही। कुछ अपने दो शब्द कहेंगे? शब्द क्या कहूँ, यहाँ पे आके तो निःशब्द हो जाता आदमी पहाड़ों पे आके। ये बात तो सही है आपकी, क्योंकि यहाँ पे इतनी सुंदरता है, मैं उसे कैसे बखान करूँ, कि कैसे बताऊँ, बस इनको आँखों में भर के तुम्हारे लिए लेके आ रहे हैं हम कैमरे के द्वारा। हाँ, लेकिन कैमरा कभी जस्टिस नहीं करता है, जो हम अपनी आँखों से देखते हैं ना, कैमरा कभी नहीं दिखा पाता है, चाहे आप कितने भी हाई डेफिनेशन के कैमरे ले लो। क्यों नेगी जी? बिल्कुल जी, पर मैं आँखों की बात कर रहा हूँ, मैं आँखों में भर के लेके आया हूँ सपने हजार, दिखाएंगे आपको एक बार। वाह वाह वाह, तो भाई नेगी जी की शेर व शायरी ना, मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ। 2 मिनट में लाइन बना देते हैं, बिल्कुल देर नहीं लगाते, ऐसा लगता है कि किसी से कहीं से कॉपी किया है, पढ़ा बोलते मैंने खुद बनाया है, और अभी खड़े खड़े बनाया। ये भी एक नेगी जी का पार्ट है, तो कभी इनको फेसबुक पे फॉलो करना, उमराव बैरागी के नाम से इनका पेज है, उसमें इन्होंने अच्छी अच्छी शेर व शायरी, अच्छी अच्छी लाइन है जो इन्होंने खुद क्रिएट करी है, तो अपने अंदाज में आपको देखने को मिलेगा। खाली खाली रोड है और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, और हम बाइक नहीं लेके जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, क्योंकि यार काफ़ी दिन से ना पैदल नहीं चले। घर पे मैं डेली वॉक करता था 4-5 किलोमीटर, यहाँ पे जब से आए बाइक के ऊपर बैठे दिया भाई, एक्सेलेटर वही हो रहा है डेली, काले घोड़े पे बैठे और चल दिए। हाँ, इसलिए हमने डिसाइड किया कि भाई हम पैदल चलेंगे मंदिर, दोनों घोड़ों को हमने आराम दे रखा है, वो आराम कर रहे हैं, और 2 घोड़े जा रहे हैं पैदल। दो घोड़े पैदल जा रहे हैं और 2 घोड़े आराम कर रहे हैं। अब बारी है ज्ञान देने की। कसार देवी फेमस है कसार देवी टेंपल के लिए, और दूसरे नंबर पर फेमस है मेडिटेशन के लिए। कुछ ऐसे रिसर्च में पाया गया है कि अर्थ की वेलन बेल्ट पे गैप होने के कारण पूरी दुनिया में सिर्फ 3 जगह पे ऐसी कॉस्मिक एनर्जी टाइप की है। एक तो है पेरू में कोई स्पॉट है वहाँ पे है, इंग्लैंड में, और थर्ड है इंडिया में कसार देवी, ऐसा किसी रिसर्च में पाया गया है। तो यहाँ पे काफ़ी फॉरेनर्स हैं और मेडिटेट करते हैं यहाँ पे, मैंने देखा बहुत सारे, जैसे आप कसोल जाते हैं ना आपको वहाँ पे फॉरेनर्स मिलते हैं, ऐसे ही यहाँ पे हैं लोग आते हैं, इंडियंस भी अब तो आने लग गए, तो इंडियंस भी काफ़ी दिखे, होम स्टे हैं, आइएगा ज़रूर और एक बार एहसास करिए इस कॉस्मिक एनर्जी का। यहाँ पे आप ना बैठ के नॉर्मल आँख बंद करके भी ओम बोलोगे ना भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा आपको सुकून मिलेगा, ऐसा मैंने महसूस किया है। तो आपको ये मजाक लग रहा हुआ, एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। नैनीताल से 72 किलोमीटर और 2.5 घंटे के ड्राइविंग डिस्टेंस पे है ये, 2.5 घंटे का टाइम लगेगा, आप आइए एक बार, कसार देवी रुकिए और सनसेट मिस बिल्कुल मत करना। और काफ़ी वेल नोन पर्सनैलिटी यहाँ पे विजिट कर चुके हैं, और जिनको हम सबसे ज़्यादा जानते हैं वो है स्वामी विवेकानंद, वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने यहाँ पे मेडिटेट किया था। मंदिर के जस्ट पीछे एक रॉक है, उसका नाम है स्वामी विवेकानंद रॉक, वहीं पे बैठ के उन्होंने ध्यान लगाया था। तो बताते हैं उस रॉक पे भी काफ़ी, मतलब बहुत अच्छी एनर्जेटिक वाइब्स हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। कसार देवी का इस खूबसूरत मौसम के साथ, खूबसूरत सनसेट के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, पीछे नीचे एक रेड कलर का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करिए, और वीडियो शेयर करिए अपने दोस्तों में जो लोग ट्रैवल का शौक़ रखते हैं या प्लान कर रहे हैं कसार देवी आने का।
तो मिलते हैं फिर वीडियो के अगले पार्ट में। जब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। गुड बाय।